समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काफी दिनों बाद मेरा लेक्चर हो रहा है क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के मैं आपको तीन लेक्चर करीबन बता चुका हूं, ठीक है। आज जो हमें देखना है, हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखना आपकी स्क्रीन पे, दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है। वो दोनों क्या है, उनका आपको ऑर्डर दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है। जैसे माने हम ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर क्या गिवन है, एक्स एक्स प्लस फाइव। इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितनी हो गई एक्स, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए एक्स प्लस फाइव। अगर मैं एक और मैट्रिक्स की बात करूं बी, उसका आपको दे रखा है वाई इलेवन माइनस वाई, ये ऑर्डर दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में बराबर है, इट मींस ए बी बराबर बी ए आपको क्या है, गिवन है। अब ध्यान दो, दो चीज का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, मान लो ये था यहां एक्स इंटू वाई और यहां लिख देता मैं वाई इंटू जेड। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी तो पॉसिबल होता था जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो जाए, हां कि ना। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या आता था, एक्स क्रॉस जेड, ये बात सबको पता है। तो देखना यहां पे हमसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यूज, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए और बी का प्रोडक्ट होगा तो वो तभी पॉसिबल होगा जब एक्स प्लस फाइव किसके बराबर हो जाए, वाई के। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्स प्लस फाइव बराबर वाई, ये बात सबको पता है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमको क्या बोला है कि ए बी और बी ए दोनों क्या है बराबर। तो बी ए देखो, बी ए कब पॉसिबल होगा, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से कब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जब बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, ये बात सबको पता है। तो देखो बी का क्या है 11 माइनस वाई और इधर क्या हो जाएगा एक्स, ये बात सबको समझ आ रही है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होता है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो जाए, पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले के पंक्ति के बराबर हो जाए। तो वही चीज मैंने यहां पे अप्लाई की है, बी ए कब पॉसिबल होगा, जब बी का कॉलम और ए का क्या हो जाएगा रो बराबर, हां कि ना। बस दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई, इसको और सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहां से माइनस एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का इलेवन, या x प्लस वाई बराबर इलेवन, कैसे भी करना है दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, आपस में आंसर लाना है, ठीक है। या आप इजी टास्क के सब लोग कर लोगे, ट्वेल्थ क्लास के हो, नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वही तो क्वेश्चन है, करके देख लेते हैं। चलो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का इलेवन, एक क्या बना हमारा एक्स माइनस का वाई बराबर माइनस फाइव, हाँ कि ना, यही बना। देखो कैसे सोल्व कर सकते हो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो मैंने क्या किया दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, माइनस वाई माइनस वाई माइनस का टू वाई, माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस का सिक्सटीन, तो वाई बराबर कितना आ गया एट, हाँ कि ना। वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो आपकी श्रद्धा के अनुसार, क्या करोगे माइनस एक्स माइनस का एट बराबर माइनस का इलेवन, माइनस एट प्लस इलेवन बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया तीन। बोलो किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए और बी आपको मैट्रिक्स दे रखे थे, उनका ऑर्डर पता था, आपको बोला ए बी बराबर बी ए है, तो क्या एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इससे, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट थिंग, ए और बी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद बोला कि दोनों का ऑर्डर भी क्या है सेम, मतलब अगर ए दो ऑर्डर का है तो बी भी क्या है दो ऑर्डर का। उसके बाद हमें गिवन है दो कंडीशन कि ए बी की वैल्यू किसके बराबर है ए के, और बी ए की वैल्यू किसके बराबर है बी के, ये दोनों चीज गिवन है, ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी। हमसे क्या फाइंड आउट करा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ऑप्शन दिया हूं उसने ए प्लस बी आई, आई का मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, ठीक है ये आई। अगर दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता था तो क्या बनाते थे 1 0 0 1, यही तो बनाते थे। अगर तीन ऑर्डर का बनाना होता तो क्या बनाता 1 0 0 0 1 0
और 001। कुल मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1, और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। लेकिन डायगनल मैट्रिक्स हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होता है, वर्गाकार आव्यूह में ही परिभाषित होता है। ये बात सबको पता है, मैंने बताई हुई है पहले लेक्चर में जब हमने देखा था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप देखे थे हमने, ठीक है। तो वो तो हो गई ऑप्शन की बात, अब इसको सोल्व करना है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है हमें, जबकि क्या गिवन है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो मेथड नंबर वन हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। कर दो, ए की वैल्यू क्या है, ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है बी ए, तो ये हो गया बी ए का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी ए बी ए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 ही तो होता है, तो सेम ही तो चीज है। अब देखो बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी बी प्लस ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, तो बी ए ए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा देखो ए बी क्या बन जाएगा, ए, तो ये आ गया यहां से ए बी प्लस बी ए किसके बराबर है, बी के बराबर, तो यहां से आ गया बी ए। दोबारा देखो ए बी की वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर, बी ए की वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। बोलो किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमसे बोला ए और बी दो सेम ऑर्डर के क्या है, वर्गाकार मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी बराबर ए गिवन है, बी ए बराबर बी गिवन है, हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ए और बी हमें गिवन है, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, ए की जगह रख दिया ए बी, बी की जगह रख दिया बी ए। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, तो सेम चीज लगाई, ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए बी इंटू ए बी प्लस बी ए इंटू बी ए। देखो बी ए की वैल्यू किसके बराबर थी, बी के, तो ए इंटू बी प्लस बी, ए इंटू बी इंटू बी, ठीक है, प्लस बी, ए बी की वैल्यू किसके बराबर थी, ए, तो बी इंटू ए इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी की वैल्यू दोबारा किसके बराबर है, ए के बराबर, तो बस ए बी प्लस बी ए की वैल्यू किसके बराबर, बी, तो बी ए, ए बी क्या है, ए, तो ए प्लस बी ए क्या है, बी बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक तरीका ये, एक और तरीका हो सकता है इसका, देखो एक बार, देखो हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी तो मैंने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये वैल्यू पुट कर दी थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो हमें गिवन है ए और बी, उसी से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाने का ट्राई करता हूं। देखो मेथड नंबर टू क्या बोलता है, ए की वैल्यू हमें पता है क्या, ए बी, और बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, बी, ये सब पता है हमें। क्या करता हूं मैं, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी को बी से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। दोनों तरफ अगर आप सेम ऑपरेशन करते हो तो हम क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं, कर सकते हैं। चलो देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए, हां कि ना। इसको क्या किया मैंने, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना, बी स्क्वायर बराबर बी ए इंटू बी। बोलो किसी को कोई समस्या। अब देखो ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के, और बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी, बी ए की जगह मैंने क्या रख दिया, बी। इधर देखो ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के, तो मैंने क्या किया, ए बी की जगह क्या रख दिया, ए, हां कि ना। मुझे निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए। अब ऑब्वियसली बात है ए बी क्या है, ए, बी ए क्या गिवन है, बी, तो देखो दोनों तरीकों से सेम आंसर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। किसी को कोई समस्या नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके आगे कई जगह काम आने वाला है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना।
आज हम तीन क्वेश्चन करने वाले हैं अब, तो ये वाला क्वेश्चन आगे आने वाले पूरे क्वेश्चंस में काम आएगा आज के लेक्चर में, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो आपको एक मैट्रिक्स से टू ऑर्डर का और उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1 1 0 1। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड ए की पावर एन, ये आपको पूछा है, ए स्क्वायर और ए की पावर एन की वैल्यू पूछा है। देखना ए है आपके पास 1 1 0 1, आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए ही तो होगा, ये सबको पता है, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, 4 4 बराबर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, तो सेम चीज मैं कर रहा हूं। तो देखो ए स्क्वायर बराबर, ए की वैल्यू मैंने रख दी यहां पे भी रख दी। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करना होता था, आरसी मेथड से, पहले वाले का रो लो और दूसरे वाले का कॉलम लो, ये सब आपको आता है, प्रीवियस लेक्चर हमने देख ही लिया। देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है और वो भी क्या है, 2x2 का, ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2x2। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो ये आर लिया और ये सी लिया, तो 1 × 1 1 प्लस 1 × 0 0, तो 1 + 0 कितना आ गया, 1। एक बार मैं पूरा लिख देता हूं आपको समझने में इजी रहेगा, 1 × 0, देखो ये आर और ये सी, तो 1 × 1 + 1 × 0 1 × 1 + 1 × 0। अब ये आर को इस सी से करना है, तो 1 × 1 + 1 × 1, ठीक है। अब इस आर को इस सी से करेंगे तो 0 × 1 + 1 × 0, इस आर को इस सी से करेंगे तो 0 × 1 + 1 × 1। बोलो किसी को कोई समस्या, नो समस्या, सोल्व कर दो आगे से। ये क्या बन रहा है, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 0 + 0 0, 0 + 1 1, यही तो बना, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल दी, ये आ गया हमारा आंसर कि ए स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए की पावर एन, तो ए की पावर एन निकालू तो मुझे एक सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि ये क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो मैंने ए स्क्वायर तो निकाल दिया, अब मैं एक बार ए क्यूब निकाल के देखता हूं, तो ए क्यूब कैसे निकालूंगा, ए स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर दू किससे, ए से, तभी तो ए क्यूब निकलेगा, ये बात तो सबको पता है कि एक्स क्यूब, मान लो 2 क्यूब लिखा मैंने, तो ये क्या होता है बेसिकली, यही तो होता है 2 स्क्वायर × 2, तो सेम चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है, कोई अलग मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल बेसिक मैथ्स जो आप 10 तक पढ़ते हो। ए स्क्वायर ए कर दिया, देखो अब ए क्यूब निकालूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 0 1, ए की वैल्यू देखो कितनी थी, 1 1 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा ए क्यूब। तो देखो अब डायरेक्ट कर देते हैं हम, आर सी 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 कितना, 0, तो 1 + 0 होगा 1, हाँ कि ना, देखते जाना, आर सी 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2, तो 1 + 2 कितना, 3, हाँ कि ना। अब सेकेंड रो का बारी है, तो 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, तो 0 + 0 कितना, 0, 0 × 1 0 प्लस 1 × 1 1, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। तो देखो जब हमने ए क्यूब निकाला तो कितना आया, 1 3 0 1, तो ध्यान से देखते चलना, हमारे पास ए जो था वो क्या था, 1 1 0 1, ए स्क्वायर किया तो 1 2 0 1, यही तो आया 1 2 0 1, जब ए क्यूब कर रहे हैं तो 1 3 0 1 आ रहा है, जब ए 4 करेंगे, देखो यहां 3 है तो यहां 3, यहां 2 है तो यहां 2, यहां ए की पावर 1, ए क्या था हमारे पास, यही तो था 1 1 0 1, हाँ कि ना। तो जब ए की पावर 1 है तो यहां 1 है, तो सिमिलर वे में जब मैं ए की पावर एन निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 1 n 0 1, ठीक है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जो इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, किस नंबर से, एक एक नंबर से, अगर 3 है तो यहां 3 आ जाएगा, n है तो यहां n आ जाएगा,
तो आपका आंसर निकल गया a की पावर n बराबर 1n01 और a स्क्वायर यह निकल चुका था। ठीक है, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है a आपको दिया हुआ है 1101, आपसे पूछ लेगा a की पावर 5, a की पावर 6, वो डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो यूज होगा आपके मैट्रिक्स में। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का मैट्रिक्स होता है तो जितनी पावर होगी वो यहां पे लग जाएगी, हां कि ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पे क्या है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता। खूब सारे मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो दिया हुआ है किसी एक मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर, और आपसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, यही तो दिया हुआ है आपको और हमसे पूछ रहा है एन की वैल्यू। ध्यान दो, पुराने वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यदि ए ऐसा है कैसा 1101, तो ए स्क्वायर क्या होता है यहां पे 2 लग जाता है, ए क्यूब होता तो यहां पे क्यूब लग जाता, यहां 4 आता तो यहां पे 4 लग जाता, यह बात सबको पता है। इसका मतलब देखो, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है यदि उसे मैं ए मान लू, देखते चलना साफ साफ, मान लो इसे मैं मान लू ए एक बार के लिए, तो ये पक्की बात क्या है ए स्क्वायर ही तो है, ये पक्की बात क्या है ए क्यूब है, और ये क्या है हमारा ए की पावर एन, हाँ कि ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, ए की पावर एन ही तो है, और ये क्या हुआ होगा ए की पावर 378। ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन सोल्व किया उसका मैंने एक डेटा लिया है यहां पर। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास, हमें बेसिकली कुछ नहीं दिया हुआ उसने, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 इंटू डैश 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 इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर 378 हमें क्या है गिवन है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया, बेसिक एलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। देखो जब भी आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, बेस सेम हो और जो पावर हो वो क्या हो डिफरेंट हो, तो वो क्या होती है बेसिकली जुड़ जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और ये किसके बराबर हो जाएगा a की पावर 378 के। बोलो किसी को कोई समस्या। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, बेस बराबर है और घाते अलग अलग है, बेस बराबर है पावर अलग अलग है, तो बेस से बेस कट जाएगा बेसिकली, इससे और इसको हम कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये क्या बन गया मेरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फर्स्ट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समीशन आपको पता होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन का समीशन जो होता है वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 डायरेक्ट, या आप निकाल सकते हो एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, या एन बाय 2 ए प्लस एल। ठीक है, पर डायरेक्ट हम यूज करेंगे इसको, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 ये किसके बराबर हो जाएगा 378। यहां से क्या करना है आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सोल्व करो आंसर पाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमने यहां पे क्या किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसका डेटा लिया कि अगर ये a होता है तो ये a स्क्वायर होता है, ये a क्यूब होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, और ये हो जाएगा a की पावर 378, वो हमने कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया और इसे सोल्व करना। ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व कर लो, इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो, अब ये सोल्व करना तो आपके हाथ में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंथ में पढ़ते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सोल्व ना हो, देखो पहला मेथड क्या लगाना, स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर इससे ना हो तो बेस्ट तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं आपको, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सोल्व करो आंसर पाओ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, तो देखो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये तभी होगा जब वो हमें कॉन्सेप्ट पता होगा
जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, यहां पे क्या है, एन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, एन टाइम चल रहा है ये। अब देखो, पुराने वाले क्वेश्चन से भी पुराने वाला क्वेश्चन, जो नंबर थर्ड क्वेश्चन था, वही तो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर ये ए है तो ये क्या है, ए क्यू, ये क्या है, ए की पावर 5, ऐसे एन टाइम चल रहा है, हां कि ना। तो देखो, ये बन गया ए की पावर 1, ये क्या बन गया, ए की पावर 3, ये क्या बन गया, a की पावर 5, और ये क्या बन गया, a की पावर 2500। बोलो किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, सिंपल से क्वेश्चन है एकदम। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 1 इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 5 इंटू डैश डैश डैश, कितनी बार चल रहा है ये, n टाइम। तो n टर्म से बेसिकली हमारा, और यहां पे क्या आ रहा है, a की पावर 2500। यही तो था, इन सब का प्रोडक्ट इसके बराबर था, तो मैंने ये चीज यहां पे अप्लाई कर दी। अब देखो यहां पे भी सेम चीज, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, तो क्या होती है, घाते जुड़ जाती है। तो सेम चीज यहां पे लगा देंगे, ए की पावर 1 + 3 + 5, कितनी बार है ऐसे, एन टर्म्स, एन पद है ऐसे, और ये बराबर है ए की पावर 2500। जब LHS और RHS बायां पक्ष और दाएं पक्ष में आधार समान हो, घाते अलग अलग हो, तो आधार से हमें मतलब नहीं है। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता। सिंपल हमारा क्वेश्चन ये हो गया, अब इसे सोल्व करना कोई कठिन बात है क्या, बताओ। आपने डायरेक्ट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी पढ़ा होगा, उसमें एक डायरेक्ट चीज पढ़ी होगी कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, या आपने पढ़ा हुआ होगा 1 + 3 + 5 + 7 up to बराबर एन स्क्वायर। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कैसे निकाल सकते हो उसको, एक और तरीका है, n by 2 2a plus n minus 1 into d से। यहां पे a हो जाएगा आपका 1, d क्या हो जाएगा 2, सोल्व करना तो यही आएगा क्या, n square, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो बेसिकली हमारा ये किसके बराबर हो गया, n square। तो n square बराबर 2500, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसमें कितनी टर्म्स है ऐसी, 50 टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे टोटल 50 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। तो हमने निकाल लिया कि n की वैल्यू कितनी होगी, 50, ठीक है। तो सिंपल सा लेक्चर था हमारा, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ये वाली जो चीज बताई मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में, यह हमेशा याद रखना कि जब भी आपका एक मैट्रिक्स होगा 1 1 0 1, मान लो ए मैट्रिक्स है, तो ए की पावर एन क्या होती है, 1 n 0 1, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और प्ले स्टोर से आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक देखते रहिए समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।